आप देख रहे हैं फिल्म विंडो और मैं हूँ हीना कुमावत। हम आज बात करेंगे कानपुरिया से। इसमें से एक तो कानपुरिया है ही ओरिजिनली। जी आप? जी मैं तो दिल्ली से हूँ पर कानपुर वालों से मिल लिए तो कानपुरी हो गए हम भी। तो सिर्फ मिलना जुलना हुआ या बहुत सारा कानपुर इन्होंने जो है फिल्म की शूटिंग के दौरान अंदर डाल दिया है? बहुत ज़्यादा डाल दिया एक्चुअली, और इन्होंने स्क्रिप्ट पे इतना बढ़िया से काम किया था तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कानपुरी अंदर डालने के लिए, हमें सिर्फ पढ़ना पड़ा, समझना पड़ा और हम कूद पड़े। ओके, आपके दिमाग में कैसे आया कि कानपुर पर एक ये बनाई जाए, क्योंकि हमने कानपुर को इतने बेहतर तरीके से मुझे लगता है देखा नहीं है अभी तक। तो कानपुर ही दिमाग में था सेटिंग में? बेसिकली जो लोकेशन थी वो वहाँ पे मैं कुछ 17-18 साल रहा हूँ तो इसलिए मेरे लिए वो वर्ल्ड जो था वो बहुत ही जाना पहचाना वर्ल्ड था। मतलब मुझे वहाँ की इंट्रिकेसीज और जो वहाँ की क्वकनेस थी वो मालूम थी। ओके, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कानपुर वालों के लिए फ़िल्म है, ये उन सभी लोगों के लिए फ़िल्म है जो कि सपने देखते हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो जद्दोजहद करते हैं और बहुत शिद्दत से उसके लिए काम करते हैं। लेकिन कभी ना कभी एक डेस्टिनी है, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनकी वजह से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो अगर आपके सपने पूरे नहीं होते तो आप क्या करते हो? द शो मस्ट गो ऑन, द लाइफ गोज ऑन, और वही जिंदगी है, वही जिंदगी है। तो ये जो तीन कैरेक्टर्स हैं इनके साथ भी लाइफ हैपन टू देम, जो कि 99% लोगों के साथ होता है। हम फिल्म में हमेशा ये दिखाते हैं कि जो भी हीरो ने कहानी के स्टार्टिंग में सोचा होता है वो अंत में पूरा हो जाता है, पूरा हो ही जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है अगर नहीं, बट हर कोई मिल्खा सिंह नहीं होता है। आप इस सीरीज मैं फिल्म का ट्रेलर देखा, उसमें एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत लाइन है कि सपने टूटने का कॉपीराइट जो है वो कानपुरिया के पास है। तो कितने सपने आपके टूटे हैं? मतलब अभी तो वो आपको फिल्म देख के पता लगेगा, 25 तारीख को हॉटस्टार वीआईपी पे आ रही है, हॉटस्टार स्पेशल्स के साथ, तो आपको पता लगेगा कि सपने जब टूटते हैं या जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पाता तो आपको कैसा महसूस होता है, और 99% लोग शायद वो महसूस कर पाएंगे। वैसे अब यहाँ पे सपने ही नहीं टूट रहे, यहाँ खाना भी पक रहा है, अदरक वाली कॉफ़ी भी बन रही है। हाँ, बेसिकली इनके जो डैडी हैं ये चाहते हैं कि, इनके डैडी चाहते हैं कि मेरा बेसिकली इज़ ए स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि स्लीजी और इरोटिक स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। okay. और उनका जो ऑडियंस है वो वैसा ऑडियंस नहीं है जो कि आप बॉम्बे और दिल्ली के स्टैंड अप सर्किट में देखते हो। उनका ऑडियंस है जो रिक्शा चलाता है, जो सब्जी बेचने वाला है, जो चाय बेचने वाला है, जो 5 रुपये या 10 रुपये की टिकट लेके जाते हैं। और इनके डैडी का ऐसा मानना है कि क्या गरीब आदमी इंटरटेनमेंट नहीं ले सकता है? ओके, बिल्कुल ले सकता है। तो ये उनके लिए स्टैंड अप करते हैं, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। वो उनका एक आर्ट है, एक ट्रेडिशन है और वो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी यही करे। तो इरोटिक मैगजीन्स ला के इसको देते हैं कि तुम पढ़ो, और वो खाना खजाना में घुमा हुआ है और उसको वही ये मैगजीन्स दूसरे तरह की पढ़ता है, ये खाना खजाना मैगजीन्स पढ़ता है जो पिताजी को ज़रा पसंद नहीं है। तो कौन सी जो है, अगर मैं असली ज़िंदगी में बात करूँ तो हर्ष को कौन सी चीज़ की रेसिपी एकदम क्विकली याद है? सभी की सेम ही होती है, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में सेम ही तरीके का टमाटर प्याज का ही तड़का लगता है, तो बस वो तो मुझे नॉर्मल सा पता है, उसमें कुछ भी आप डाल दें तो बाकी रायता ही अच्छा फैला लेता है। रायता बना नहीं लेते, फैला लेते बनाने में भी कुछ गलती नहीं है। तो किस रायते की बात हो रही है यहाँ पे, मुझे ये बताएंगे? नहीं, बेसिकली हमने जब जो फिल्म में जब हम शूट कर रहे थे तो वो बड़ी सारी चीज़ें आप प्लान करते हो बट वैसे नहीं होती हैं, जो कि एक्चुअली में हम इस फिल्म के थ्रू भी कह रहे हैं कि मतलब लाइफ जो है आपकी प्लानिंग से नहीं चलती है। okay. उसका खुद का एक प्लान होता है। तो जब हम शूट भी कर रहे थे तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी, बट जो भी चीज़ें हुई उसमें हमने मतलब पूरे फन के साथ और पूरे एंटरटेनमेंट के हमने सोचा था कि दो हाथ से मैं ऐसे काटूं या दो हाथ से कुछ ऐसा बेलूँ या ऐसा कुछ करूँ। हाँ। तो मैं इतना प्रो नहीं हूँ उसी में, आशीष जी मैं चाह रहा था कि ये एक एम्बिडेक्स्ट्रस जो क्वालिटी होती है एक शेफ़ के अंदर कि वो दोनों हाथों से करे, जैसे 3 डेट्स में वो बोमन ईरानी दोनों हाथों से लिखते थे, मैं चाह रहा था ये वैसा शेफ़ बने। वहाँ पे इसने काफ़ी रहता फैलाया, बट मतलब आई नीड ट्रेनिंग फॉर दैट। और डायरेक्टर ने वो समय नहीं दिया। नहीं नहीं, उनकी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वक्त था लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई, बट ठीक है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जब हम निर्देशकों की बात करते हैं ना तो थोड़े से ग्रे हेयर वाले लोग हमें याद आते हैं, लेकिन हैंडसम भी होते हैं कुछ, इतने हैंडसम होते हैं कि एक्टर कॉम्प्लेक्स खा जाते हैं। मैंने इसको अभी आने से 10,000 रुपये दिए थे, काम आ गया, थैंक यू। मतलब चेक मिल गया इसे, क्लियर हो गया। आप खुद बताइए, क्लियर हो गया? आपको देख के कौन लग रहा है फ्रेम में बैठा हुआ एक्टर ज्यादा? मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती।
लेकिन जब ये डेट करेंगे तो मैं एक्ट करूंगा। तो जब चार एक सेम एज के लोग हो इस सेट पर हो तो मुझे लगता है धूम तो कितनी होती है। और कानपुर जैसे शहर हो जो इनका खुद का शहर है, जहाँ उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार प्रपोज किया था, मतलब हर जगह दिखाई ना इन्होंने। पता नहीं ये तो देवेंदु ने बोला ऐसा कि कुछ हुआ है, कुछ उनका कुछ करामात है देवेंदु भाई बता सकते हैं। बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन, लाइक बहुत एंटरटेनमेंट था शहर में, सारे एक्टर्स, इनफैक्ट विजय सर जब आए थे तो उनके बहुत सारे लोग फैन बन गए, और बाकी लोगों ने भी देवेंदु जो है, कई बार लोगों को लगता था कि मिर्ज़ापुर की शूट चल रही है और लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते थे, उन्हें नहीं मालूम था कि कानपुर की शूट चल रही है। बट देन एवरीबडी हैड अ लॉट ऑफ फन, आई मीन पूरे कास्ट और क्रू को बहुत मज़ा आया वहाँ पे कानपुर में शूट करते, बिकॉज अतरंगी लोग हैं तो अतरंगी लोगों के साथ तो लाइक इट वॉज ऑल फन। तो कानपुरी लैंग्वेज में हाँ, अगर आपको कोई एक अच्छी धासु, जैसे आपके पापा स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं ना, कुछ ऐसी बात शब्द बोलते हैं, उसमें कुछ बोलना हो आशीष को, मौका है कैमरे पे कुछ भी बोलना। मुझे एक बड़ा डायलॉग बड़ा पसंद है फिल्म में, मुझे लिखा हुआ है कि यहाँ बैठे बैठे हमारी जन्मपत्री लिख दो आप, तो यहाँ कानपुर में बैठे बैठे हमारी जन्मपत्री लिख दो आप, वो मुझे बड़ा। कानपुरिया भाषा में क्या क्या सीखा उसमें? मतलब ऐसा कुछ खास तो नहीं सीखा, क्योंकि स्क्रिप्ट में मैंने कहा कि आशीष सर ने काफ़ी काम किया हुआ था पहले से ही, सो मेरा एक है मैं एज एन एक्टर जो भाषा होती है मैं उसका टोन हल्का सा जल्दी से अडेप्ट कर लेता हूँ, चाहे वो कोई भी भाषा हो, तो लिखा हुआ था तो उसी तरीके से हमने जाके परफॉर्म किया। सो अभी देखते हैं लोगों को कितना पसंद आता है और कितना कन्विंसिंग लगता है वो जो किया है। आप लोग जाइए और देखिए 25 अक्टूबर को हॉटस्टार स्पेशल पे। और कानपुरिया भाषा में बोलना होगा तो आशीष आप कैसे बोलेंगे? वो ये यार कानपुरिया भाषा मतलब अब ऐसा कोई शब्द होना चाहिए। अरे भाई यहाँ मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई पटाखे पटाखे तो ठीक है, दिवाली वाली मना लेना, लेकिन 25 तारीख को हॉटस्टार स्पेशल पे फिल्म आ रही है हमारी कानपुरिया, तो टाइम मत मिस करो और देख लो पसंद आएगी सर। चलिए हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बैठे रहिए, मुझे आई चाहिए।